तो एक लड़की कॉलेज जा रही थी, तो एक मजनू टाइप बंदा उसके पास आता है और पूछता है, ए लड़की तेरा नाम क्या है? तो उस लड़की ने पलट कर जवाब दिया, ऐसा है ना मिस्टर, मेरे घर वालों ने मेरा नाम नहीं रखा, पर सारा कॉलेज मुझे दीदी कहकर बुलाता है। तो लड़का भी मेरे जैसा था, चुप रहने वालों में से नहीं था, तो उसने भी पलट कर जवाब दिया कि ये तो इत्तेफाक हो गया मैडम। बोले कैसे? बोले सारा कॉलेज मुझे भी जीजा जी कहकर बुलाता है। तो ये लड़की जैसे ही कॉलेज में एंटर होती है तो कहती है उस लड़के से कि मत कर मेरा पीछा बहुत पछताएगा, मत कर मेरा पीछा बहुत पछताएगा, वरना इसी कॉलेज के बाहर छोले भटूरे की रेडी लगाएगा। मत कर मेरा पीछा बहुत पछताएगा, वरना इसी कॉलेज के बाहर छोले भटूरे की रेडी लगाएगा। तो मैंने कहा लड़का मेरे जैसा था तो चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने भी पलट कर जवाब दिया कि मत इतना इतनी बहुत पछताएगी, मत इतना इतनी बहुत पछताएगी, वरना उसी छोले भटूरे की रेडी पर बर्तन मांझती नजर आएगी, बर्तन मांझती नजर आएगी। अच्छा लगा तो तालियां। अच्छा आज सुबह मैं जब प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो एक हादसा हो गया। हादसा ऐसा था कि एक लड़की को मेरा कंधा लग गया, तो उस लड़की ने पलट कर जवाब दिया कि टकराए हो हमसे यूं, क्या तुमने शराब पी रखी है? टकराए हो हमसे यूं, क्या तुमने शराब पी रखी है? या मेरी खूबसूरती देखकर मिस्टर नवीन वर्मा तुम्हारी नीयत खराब हुई है? तो मुझे लेट थी, वैसे ही प्रोग्राम के लिए आना था, प्रोग्राम के लिए जल्दी में था, तो मैंने सिर्फ दो लाइन में उसको जवाब दिया दोस्तों कि जिसकी आंखों में हो नशा उसे शराब की जरूरत क्या होगी, जिसकी आंखों में हो नशा उसे शराब की जरूरत क्या होगी, और जिस पे मरती हो हजारों हसीनाएं उस नवीन वर्मा की नीयत खराब क्या होगी, नीयत खराब क्या होगी। तो इसके बाद कैसे फंकार को जिसने हिमाचल में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश से भी के बाहर भी, पंजाब हो उत्तराखंड हो, हर जगह अपनी आवाज का जादू बिखेरा है, बलसन की एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की, इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। रामपुर की लवी हो, कुल्लू का दशहरा हो, चंबा का मिंजर हो या फिर शिमला का समर फेस्टिवल, हर जगह इन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच नैन्सी वर्मा।